नमस्कार, यह 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैसेज स्विचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैसेज स्विचिंग वाज ए टेक्निक डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट टू सर्किट स्विचिंग बिफोर पैकेट स्विचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इस स्टेटमेंट से यह बहुत क्लियर है कि सबसे पहले सर्किट स्विचिंग आई थी, उसके बाद में उसके एक अल्टरनेट के रूप में मैसेज स्विचिंग का इंट्रोडक्शन हुआ और लास्टली पैकेट स्विचिंग आई थी। सर्किट स्विचिंग हम पहले से पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैसेज स्विचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन मैसेज स्विचिंग एंड यूजर्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस दैट इंक्लूड द एंटायर डेटा टू बी शेयर्ड। मैसेजेस आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, आल्सो द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। मैसेज स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर मैसेजेस भेजते हैं, सूचनाएं भेजते हैं, जो कि पूरा का पूरा डेटा जो शेयर करना रहता है वो इंक्लूड करते हैं। मैसेज सबसे छोटी एक इंडिविजुअल इकाई होती है। मैसेज स्विचिंग में रिसीवर और सेंडर एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स ट्रांसफर डेटा एंड इंश्योर दैट द मैसेज रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। अब बीच के अंदर कई नोड्स होते हैं जो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मैसेज उसके गंतव्य तक पहुँच सके, डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। मैसेज स्विच डेटा नेटवर्क्स आर हैंस कॉल्ड हॉप बाई हॉप सिस्टम। मैसेज स्विच डेटा नेटवर्क इसलिए होप बाई होप सिस्टम कहलाते हैं। प्रोसेस पैकेट स्विचिंग ट्रीट्स ईच मैसेज एज एन इंडिविजुअल यूनिट। पैकेट जो होते हैं वो हर एक मैसेज को एक अकेली यूनिट के रूप में मानते हैं। बिफोर सेंडिंग द मैसेज द सेंडर नोड एड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द मैसेज। कि मैसेज को भेजने के पहले जो सेंडर नोड होता है वो मैसेज में डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करता है। इट इज़ देन डिलीवर्ड एंटायरली टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड। इसके पश्चात यह अगले स्विचिंग नोड को जो कि इंटरमीडिएट होता है उसको यह पूरे का पूरा मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। द इंटरमीडिएट नोड स्टोर्स द मैसेज इन इट्स एंटायरिटी। मैसेज को यह पूरी तरह से अपने पास में इंटरमीडिएट नोड स्टोर करता है। चेक्स फॉर ट्रांसमिशन एरर्स, ट्रांसमिशन के कारण से जो भी गलतियाँ एरर्स उसमें इंट्रोड्यूस होती हैं उनको चेक करता है। इंस्पेक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस, गंतव्य एड्रेस का इंस्पेक्ट करता है। देन एंड देन डिलीवर्स इट टू द नेक्स्ट नोड और इसके पश्चात उसको अगले नोड के ऊपर भिजवाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द मैसेज रीचेज द डेस्टिनेशन। ये प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि मैसेज उसके गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता है। इन द स्विचिंग नोड द इनकमिंग मैसेज इज नॉट डिस्कार्डेड इफ द रिक्वायर्ड आउटगोइंग सर्किट इज बिजी। स्विचिंग नोड के अंदर जो आने वाली मैसेज होती है उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है अगर आउटगोइंग सर्किट व्यस्त नहीं होता है। इंस्टेड इट इज स्टोर्ड इन ए क्यू फॉर दैट रूट एंड रीट्रांसमिटेड व्हेन द रिक्वायर्ड रूट इज अवेलेबल। और ये एक क्यू के अंदर वेट करती है, स्टोर रहती है और जब भी रिक्वायर्ड रूट अवेलेबल होता है तो उस पर ट्रांसमिट करती है। इस प्रकार के नेटवर्क को स्टोर और फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स राउटिंग ऑफ टू सेपरेट मैसेजेस फ्रॉम द सेम सोर्स टू सेम डेस्टिनेशन वाया डिफरेंट राउटर्स यूजिंग मैसेज स्विच। अब इस डायग्राम के अंदर मैसेज स्विचिंग बतलाई गई है दो अलग अलग रूट से।
आप देख रहे हैं कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड्स हैं और मोड वन है और मोड टू है, तो दोनों मोड से मैसेज पहुंच रही है। दे प्रोवाइड टू डिस्टिंक्ट एंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब मैसेज स्विचिंग की दो बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक होती है, विलक्षण होते हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे। पहली है स्टोर एंड फॉरवर्ड। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, द इंटरमीडिएट नोड्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। इंटरमीडिएट नोड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी की पूरी मैसेज को अगले नोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हेंस ईच नोड मस्ट हैव स्टोरेज कैपेसिटी। इसलिए हर एक नोड के पास में एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ए मैसेज विल ओनली बी डिलीवर्ड एट द नेक्स्ट हॉप एंड द लिंक कनेक्टिंग इट आर बोथ अवेलेबल, अदरवाइज इट विल बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली। अब अगला हॉप और लिंक दोनों अगर अवेलेबल होते हैं तो मैसेज डिलीवर होती है, अन्यथा ये एक लंबे काल तक इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्टोर कर ली जाती है। ए स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच फॉरवर्ड से मैसेज ओनली सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड द नेक्स्ट हॉप इज एक्सेप्टिंग डेटा। कि सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए जभी जाके स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच मशीन मैसेज को फॉरवर्ड करता है और नेक्स्ट हॉप डेटा को एक्सेप्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रॉपर्टी। यह स्टोर और फॉरवर्ड प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। आशा आप लोग स्टोर और फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इंटरमीडिएट नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट नोड तक पहुँचाए। अब पहुँचाए तो आगे रास्ता खाली होना चाहिए, जभी तो पहुँचाएगा। तो उसमें एक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और ये भी पता लगा था कि अगला हॉप और लिंक दोनों अवेलेबल हैं तो स्टॉप करो, आगे अगर रिसोर्सेज फ्री हो तो फॉरवर्ड करो। दैट इज़ द स्टॉप स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। मैसेज डिलीवरी, मैंने आपको बताया था कि हम दो महत्वपूर्ण डिस्टिंक्ट और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक मैसेज स्विचिंग की देख रहे हैं। उनमें से पहली जो करेक्टरिस्टिक थी वो थी स्टोर एंड फॉरवर्ड। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो है मैसेज डिलीवरी। दिस इम्प्लाइज रिपिंग द एंटायर इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल मैसेज एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन नोड। ये पूरी की पूरी सूचना को एक सिंगल मैसेज में रेप करने को इम्प्लाय करता है और सोर्स से डेस्टिनेशंस तक ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी रखता है। ईच मैसेज मस्ट हैव अ हेडर दैट कंटेन्स द मैसेज राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हर एक मैसेज में हर एक सूचना में एक हेडर होता है। हेडर का ये काम होता है कि उसके पास में राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कि सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है, किस स्रोत से निकलेगा, किस गंतव्य पहुंचेगा, कौन से रास्ते को अख्तियार करेगा। जैसा कि हमने लास्ट फिगर के अंदर दो रूट बतलाए थे मैसेज वन और मैसेज टू के सेंडर और रिसीवर के। मैसेज स्विचिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लिंक्स, चैनल्स, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच नोड्स एंड एंड स्टेशंस। अब मैसेज स्विचिंग नेटवर्क जैसा कि हमने पहले देखा था, इसमें ट्रांसमिशन लिंक्स होते हैं, चैनल्स होती है, स्टोर और फॉरवर्ड स्विच या नोट्स होते हैं और लास्ट एंड स्टेशंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल्स, होप बाय होप टेलेक्स फॉरवर्डिंग एंड UUCP आर एग्जांपल्स ऑफ मैसेज स्विचिंग सिस्टम्स। होप बाय होप टेलेक्स फॉरवर्डिंग एंड UUCP, ये दो मैसेज स्विचिंग सिस्टम्स के होप बाय होप के दो एग्जांपल्स हैं, एक टेलेक्स फॉरवर्डिंग, एक UUCP। व्हेन दिस फॉर्म ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड, नो फिजिकल पाथ इज इस्टेब्लिश इन एडवांस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब ये फॉर्म स्विचिंग की काम ली जाती है तो
सेंडर और रिसीवर्स के बीच में कोई भी फिजिकल पाथ इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है. इंस्टीड व्हेन द सेंडर हैज़ अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी सेंट, इट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्विचिंग ऑफिस देयर फॉर राउटर देन फॉरवर्डेड लेटर वन हॉप एट अ टाइम. ईच ब्लॉक इज रिसीव्ड इन इट्स एंटिटी फॉर्म, इंस्पेक्टेड फॉर एरर्स एंड देन फॉरवर्डेड फॉर और रिट्रांसमिटेड. जब भी सेंडर को एक ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करता है तो वो उसको स्विचिंग ऑफिस में यानी कि राउटर में स्टोर करता है और वन हॉप एट अ टाइम करता है. पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ रिसीव होता है, एरर्स के लिए इंस्पेक्ट होता है और आगे फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, रिट्रांसमिट कर दिया जाता है. ए फॉर्म ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क. दूसरा एग्जांपल, डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू द नेटवर्क एंड स्टोर्ड इन अ स्विच. द नेटवर्क ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम स्विच टू स्विच व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू डू सो. ए सच द डेटा इज नॉट ट्रांसफर्ड इन रियल टाइम. द नेटवर्क जो होता है वो स्विच से स्विच पर डेटा का ट्रांसफ़र करता है और ऐसा जब कन्वीनियंट होता है तो इस प्रकार का डेटा रियल टाइम में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है. ब्लॉकिंग कैन नॉट अकर, हाउएवर लॉन्ग डिलेज कैन हैपन. द सोर्स एंड डेस्टिनेशन टर्मिनल नीड नॉट बी कंपेटिबल सिंस कन्वर्शन आर डन बाय मैसेज स्विचिंग नेटवर्क्स. सोर्स और डेस्टिनेशन इस फॉर्मेट के अंदर कंपेटिबल होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्विचिंग नेटवर्क है वो कन्वर्सेशन को पॉसिबल करवाता है. ए मैसेज स्विच इज ट्रांसैक्शनल. एक मैसेज स्विच ट्रांसैक्शनल होता है. इट कैन स्टोर डेटा और चेंज इट्स फॉर्मेट एंड बिट रेट. ये डेटा को स्टोर रखता है और बिट रेट को या फॉर्मेट को बदल सकता है. देन कन्वर्ट द डेटा बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म और एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म एट द रिसीवर एंड. और वापस डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में और या रिसीवर एंड पर बिल्कुल एक अलग से फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो रिक्वायर्ड होता है. मैसेज स्विचिंग मल्टीप्लेक्सेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑन टू ए कॉमन फेसिलिटी. मैसेज स्विचिंग क्या है कि एक डेटा को मल्टीप्लेक्स भी कर सकता है एक कॉमन स्विचिंग फैसिलिटी पर. ए मैसेज स्विच इज वन ऑफ द स्विचिंग टेक्नोलॉजी. एक मैसेज स्विच होता है एक प्रकार की स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैसेज स्विचिंग. एडवांटेजेस, शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स इंश्योर बेटर बैंडविड्थ यूज. कम्युनिकेशन चैनल्स को शेयर करने से बेटर बैंडविड्थ का यूज होता है. इट रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड. नेटवर्क में भीड़भाड़ नहीं होती है, भीड़भाड़ पाथ पे होगी नहीं जब स्टोर करेगा, रास्ता खाली होने पर आगे फॉरवर्ड करेगा. एनी स्विचिंग नॉट कैन स्टोर द मैसेजेस टिल द नेटवर्क इज अवेलेबल. ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस रिक्वायर मच लेस बैंडविड्थ देन द सर्किट स्विचिंग. मैसेजेज ऑफ अनलिमिटेड साइजेस कैन बी सेंट. कितनी बड़ी एडवांटेज है. इट डज नॉट हैव टू डील विदाउट ऑफ ओल्डर पैकेट्स और लॉस्ट पैकेट्स एज इन पैकेट स्विचिंग. तो ये सारे फायदे आप लोग एक बार फिर से दृष्टिपात करिए. उसके बाद के अंदर अपन देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मैसेज स्विचिंग के. इस चैप्टर को, इस लेसन को ख़त्म करने के पहले, इन ऑर्डर टू स्टोर मैनी मैसेजेस ऑफ अनलिमिटेड साइजेस ईच इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. अब बड़ी बड़ी मैसेज हो अनलिमिटेड साइज की हो तो इंटरमीडिएट नोड स्विच या स्विचिंग नोड के पास क्या होना चाहिए कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जभी तो उनको स्टोर कर पाएंगे. स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड इंट्रोड्यूसेस डिलेज एट ईच स्विचिंग नोड. स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर हर स्विचिंग नोड के ऊपर डिले होता है. दिस रेंडर्स इट अनसुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन. अब रियल टाइम एप्लीकेशन में तो हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो ये मैसेज स्विचिंग वाले टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम की नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर लेट मिलती है तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस कम हो सकता है. तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मैसेज स्विचिंग अच्छी तरह से समझ में आया होगा. हम इसके पहले सर्किट स्विचिंग देख चुके थे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पैकेट स्विचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, तीन तरह की ये जो मेजर स्विचिंग है इनका कंपेरिजन भी आप लोग ये जो डिस्कशंस है इसके आधार पर
अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आज का ये मैसेज स्विचिंग का लेसन समाप्त करता हूँ।